हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जनरल साइंस के सेक्शन में फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और फिजिक्स का ये फर्स्ट चैप्टर होगा जिसमें कि हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे और यूनिट्स एंड मेजरमेंट से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं वो सारे के सारे करेंगे और हमसे कोई भी सवाल ना छूटे इस तरह के हम लोग कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट को पहले पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स जो है एक ग्रीक वर्ड जिसका कि मतलब होता है नेचर, उससे आया है। क्या होता है फिजिक्स जो है एक ग्रीक वर्ड है जिससे फिजिक्स आया है जिसका मतलब होता है नेचर। तो फिजिक्स जो होता है वो होता है स्टडी, नेचर का स्टडी करना और उससे उसको ऑब्जर्व करके उस पर कुछ लॉज बनाना। फिजिक्स क्या होता है, नेचर को, जो नेचर में इवेंट्स हो रहे हैं, जो नेचुरल इवेंट्स हो रहे हैं उसको स्टडी करना, उसको ऑब्जर्व करना और उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर कुछ लॉज बनाना ही फिजिक्स कहलाता है। तो क्या है, फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। तो हमारे चारों ओर जितने भी नेचुरल इवेंट्स होते हैं, जैसा कि रेनिंग का होना, रेनबो, नाइट स्काई, नाइट में जो हमारे स्काई में, जो हमारे आकाश में चारों ओर जो चिमटिमटिमाते हुए चमकता हुआ जो तारा, जो आकाशीय पिंड दिखाई देते हैं, वो क्या है, एक नेचुरल इवेंट है। तो उसके बारे में हमें जिज्ञासा होती है आखिर ऐसा क्यों होता है। रेगुलर रिपीटेशन ऑफ डे एंड नाइट, ठीक है, और भी बहुत सारे, जैसा कि वॉल्केनोज, टाइड्स, तो ये डिफरेंट टाइड्स, जो पूर्णिमा की रात में जो टाइड्स समुद्र में उठते हैं वो क्यों होता है। तो इन सब जो नेचुरल इवेंट्स के सारे जो सवाल हमारे मन में आते हैं उन सब के बारे में जानना, उसको ऑब्जर्व करना और उसके अकॉर्डिंग कुछ लॉज बनाना ही फिजिक्स कहलाता है। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर कि सन के चारों ओर प्लैनेट्स क्या हो रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो ये तो नहीं है कि सन के चारों ओर प्लैनेट्स अभी रिवॉल्व कर रहा है क्योंकि हम इसके बारे में अभी जाने हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले ही जब से ये यूनिवर्स बना होगा, जब से ये ब्रह्मांड बना होगा, तब से ही सन के चारों ओर हमारे प्लैनेट्स क्या हो रहे होंगे, रिवॉल्व हो रहे होंगे, लेकिन तभी उस किसी ने इसे ऑब्जर्व नहीं किया हो गया होगा, लेकिन ये नेचुरल इवेंट्स हो रहा था तभी भी। लेकिन जब इस नेचुरल इवेंट्स को ऑब्जर्व किया गया, इसको स्टडी किया गया और इस पर कुछ लॉज दिए गए तो ये फिजिक्स के अंतर्गत आ गए और हम लोग इसको अभी पढ़ रहे हैं। जैसा कि न्यूटन ने देखा कि सेब जो है किसी पेड़ से नीचे गिर रहा है, तो उसके मन में आया कि आखिर सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। ऐसा नहीं है कि इससे पहले सेब नीचे नहीं गिरा था, लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व किया, इस नेचुरल इवेंट को ऑब्जर्व किया, उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया और ये सारे जो नेचुरल इवेंट्स को ऑब्जर्व करना, उस पर लॉज बनाना, उस पर कुछ पॉस्टुलेट्स देना, ये सारे फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग क्या जाने, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि अगर फिजिक्स को समझना है तो क्या ये जो नेचुरल इवेंट्स हो रहे हैं, जितने भी हमारे चारों ओर नेचुरल इवेंट्स हो रहे हैं, उनको समझने के लिए हमें किस टूल की आवश्यकता होगी। तो वो टूल का नाम है मैथमेटिक्स। अगर मैथमेटिक्स ना होता तो हम फिजिक्स के लॉज को नहीं समझ पाते। तो क्या है, मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। जैसा कि न्यूटन्स ने ग्रेविटेशन के लॉ को दिया तो उस ग्रेविटेशन के लॉ को हम इस एक्सप्रेशन के सहारे समझ पाते हैं, तो ये एक्सप्रेशन मैथमेटिक्स के कारण आया। तो मैथमेटिक्स ना होता तो फिजिक्स समझ में नहीं आता, मेजरमेंट नहीं होता तो फिजिक्स समझ में नहीं आता। इस कारण से हम लोग मेजरमेंट पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग मेजरमेंट की ओर बढ़ते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है। मेजरमेंट क्या होता है ना, तो मेजरमेंट को जानने से पहले क्या हम लोग अपने आप से कुछ सवाल पूछ सकते हैं, तो पूछ के देखते हैं कि अगर हम आपसे पूछे कि आपकी हाइट कितनी है, आपकी एज क्या है, आपके घर की लंबाई और चौड़ाई क्या है, आज का टेम्परेचर क्या है, आपके ग्लास में कितना वाटर है, तो इन सारे सवालों के जवाब को देने के लिए आपको एक और एक चीज़ करना होगा, क्या करना होगा, मेजरमेंट। तो इस बात से हमें क्या समझ में आई है कि इन सारे सवालों के जवाब को देने के लिए अगर हमसे कोई हाइट पूछे तो हमको क्या करना होगा, लेंथ को मेजर करना होगा। अगर हमारा हाइट 6 फीट है तो ये हम कैसे जाने, तो लेंथ को मेजर किए जब जाने। एज क्या है, इसको कैसे जाने, तो टाइम के बारे में हम जाने, जब ही जान के हमको एज के बारे में पता चला। हमारे घर की लंबाई और चौड़ाई क्या है,
10 बाई 15 तो कैसे जाने भाई? तो ये तभी जान पाए जब हम लेंथ को मेजर करना सीखें, मेजरमेंट को जाने, आज का टेम्परेचर क्या है। मान लिया कि आज का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या ये आज ही आया? तो मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर पाए, तब जाकर हम बता पा रहे हैं कि आज का टेम्परेचर क्या है। हमारे ग्लास में हाफ लीटर वाटर है, तो ये जो लीटर वाटर है ये क्वांटिटी को दर्शाता है। ये मेजर किया, इसका मतलब क्या है? मेजरमेंट एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके द्वारा हम लोग एक नंबर को देखते हैं जो कुछ ना कुछ उस कुछ अमाउंट दर्शाता है उसमें, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? फ्रॉम द अबव वी कैन से मेजरमेंट इज अ प्रोसीजर बाय विच वी कैन फाइंड अ नंबर। हम लोग एक नंबर को फाइंड करते हैं जो नंबर कुछ ना कुछ उस चीज़ में दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पर हाफ लीटर वाटर है, तो हाफ यहाँ पर क्या हो गया? नंबर हो गया, और ये दर्शा रहा है कि इसमें हाफ लीटर अमाउंट है। कुछ हाफ लीटर वाटर है, इसका मतलब कुछ इसमें हाफ लीटर वाटर है। तो मेजरमेंट ये है। तो जो मेजरमेंट होता है, फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। तो अगर हम लोग बात करें कि फिजिक्स कैसे साइंस है, मेजरमेंट का साइंस कैसे है, तो फिजिक्स में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, फिजिक्स में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, जितने भी रिसर्च हो रहे हैं, तो क्या विदाउट मेजरमेंट हम लोग उस रिसर्च उस एक्सपेरिमेंट को कर पाएंगे? तो नहीं। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि फिजिक्स क्या है? साइंस ऑफ मेजरमेंट। तो मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी मेंशनड इन टू पार्ट। मेजरमेंट एक ऐसा क्वांटिटी है, मेजरमेंट जो है वो उसमें हम लोग मेंशन करते हैं दो पार्ट्स को। दो पार्ट कौन कौन? एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसके यूनिट को। जैसे कि अगर आपको बोल दिया जाए कि आप 5 केजी चावल लेकर आएँ, तो आपको मैंने क्या बताया? ये जो 5 है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर बताया, और ये केजी क्या है? ये स्टैंडर्ड यूनिट है। इसका मतलब कि मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट में क्या क्या मेंशन किया जाता है? किसी चीज़ के अगर मेजरमेंट को हम किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसमें क्या दर्शाते हैं हम लोग? तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसका यूनिट। दैट मीन्स कि मेजरमेंट अगर करना है तो हम लोग क्या दर्शाते हैं? दो पार्ट दर्शाते हैं। फर्स्ट पार्ट उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा एक स्टैंडर्ड यूनिट जिससे इस क्वांटिटी को कंपैरिजन किया जाता है, जिसको हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मेजरमेंट अगर करना है 10 केजी, 5 मीटर, 15 डिग्री सेल्सियस, तो ये सब मेजर करके हम लोगों को दिया गया है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं इसमें कि जब मेजर किया गया 10 केजी चावल को, तो इसमें क्या देखा गया कि 10 जो है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है और केजी क्या है? एक स्टैंडर्ड यूनिट है। 5 मीटर लेंथ का मेरे पास कोई वायर है, तो 5 क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, मीटर यूनिट है, और हम उसको वायर को मेजर कर पाए। तो मेजरमेंट में हम लोग क्या देख रहे हैं? मेजरमेंट में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हम लोग दो पार्ट दर्शाते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और सेकेंड पार्ट होता है एक स्टैंडर्ड यूनिट जिससे उस क्वांटिटी को कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि मेजरमेंट का आवश्यकता हम लोगों को क्यों पड़ा, नीड फॉर मेजरमेंट। तो हम बोल सकते हैं क्या कि विदाउट मेजरमेंट वी कांट इमेजिन अबाउट डेवलपमेंट। तो अगर हम लोग स्टार्टिंग से देखें, आदिकाल से, पैलियोलिथिक एज से, तो जब हमारे एंसेस्टर जो हुआ करते थे, जो हमारे एंसेस्टर जो जब आदि मानव जो होते थे, वो सबसे पहले शुरू में आए, उन्होंने पहिया बनाया, फिर वो हथियार बनाते थे। धीरे धीरे डेवलपमेंट जब हुआ तो क्या करने लगे? मेजर करने लगे एक दूसरे के साथ। वो लोग जब वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे तो मेजर करके देने लगे। वो लोग अपना मेजरमेंट का कुछ यूनिट, कुछ प्रणाली सिस्टम अपने अपना जनरेट किया और उससे इसके अकॉर्डिंग मेजर करके देना शुरू कर दिया। जब कोई घर बनाएगा तो विदाउट मेजरमेंट क्या बिल्डिंग बन सकती है? क्या विदाउट मेजरमेंट हम लोग किसी प्रोडक्ट को बना सकते हैं? विदाउट मेजरमेंट किसी एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं क्या? नहीं। तो विदाउट मेजरमेंट वी कांट इमेजिन अबाउट डेवलपमेंट। तो जितने भी डेवलपमेंट साइंस और इंजीनियरिंग में हो रहे हैं, या जो भी लॉज, जो भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, वो कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? तो थ्रू द मेजरमेंट। किसके कारण पॉसिबल हो पा रहा है? मेजरमेंट के कारण। तो इसका मतलब क्या है कि मेजरमेंट का हमको आवश्यकता है, क्योंकि विदाउट मेजरमेंट हम लोग डेवलपमेंट को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी एक्सपेरिमेंट को करते हैं हम लोग, तो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान हम लोगों को कुछ रीडिंग्स लेना होता है। उन रीडिंग्स को ऑब्जर्व करके हम लोग कुछ निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? जब हम लोग रीडिंग्स लेंगे तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग भाई?
तो हम लोग ये कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। तो इससे हम लोग क्या समझ में आया कि मेजरमेंट बहुत ही आवश्यक टूल है डेवलपमेंट के लिए। तो कहते हैं कि इफ़ वी हैव टू मेक पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल प्रोडक्ट, वी हैव टू मेजर द पार्ट्स। अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल प्रोडक्ट को बनाना है, तो कोई प्रोडक्ट को बनाने से पहले, कोई प्रोडक्ट अगर हम बना रहे हैं, जैसे कि कोई कार बनाया जा रहा है, ठीक है, कोई कार बनाया जा रहा है, तो कार में कैसे व्हील्स लगेंगे, उसका क्या गेट का मेजरमेंट क्या होगा, वो स्टेयरिंग कहाँ होगा, उसका मेजरमेंट क्या होगा, तो ये सब जो जो इसमें पार्ट्स लगे हुए हैं, ठीक है, कार्बोरेटर है, जो इंजन है, वो जो पार्ट्स लगे हुए हैं, उसके मेजरमेंट को करना बहुत ही आवश्यक है। जैसा कोई फ़ैन है, ठीक है, कोई फ़ैन अगर बना, कोई अगर फ़ैन बना है, ठीक है, ठीक है, कोई अगर फ़ैन बना है, तो इसके फ़ैन के पार्ट्स को अगर मेजर करके, मेजरमेंट एक एक बैलेंस्ड मेजरमेंट में अगर इसके ब्लेड्स को नहीं रखा जाए, तो क्या फ़ैन सही से घूमेगा? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट को बनाना है, या फिर किसी भी टाइप के प्रोडक्ट को हमें बनाना है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, उसके पार्ट्स का मेजरमेंट करना होगा, उसके पार्ट्स का मेजरमेंट करना होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि मेजरमेंट हम लोगों को इसीलिए ज़रूरत है, ठीक है। तो हमको जो भी स्पेसिफिकेशन चाहिए, जैसे कि जो भी हमारा रिक्वायर्ड पार्ट्स बनाना है, जैसे कोई बैट बना रहे हैं, तो बैट को भी मेजर करना ज़रूरी है। अब अगर कोई मेजरमेंट करके बैट नहीं बना रहा है, तो बैट के जगह वो क्या बना देगा, कुछ और ही बना देगा। तो इसका मतलब है कुछ भी प्रोडक्ट अगर हम बना रहे हैं, तो उसके लिए मेजरमेंट का आवश्यकता होता है। तो ये तो था कि मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट का हमको आवश्यकता क्यों पड़ा, फिर उस मेजरमेंट में क्या यूनिट्स लगते हैं, इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। उससे पहले हम लोग एक चीज़ के बारे में, एक क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, जिसे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी होता है वो क्वांटिटी जो मेजर किया जा सके। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसे मेजर किया जा सके, जैसे कि लेंथ, जैसे कि लेंथ मास, एक मिनट, जैसे कि लेंथ मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेंट, और भी बहुत सारे क्वांटिटीज जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। कि 10 मीटर का वायर है हमारे पास, इसका मतलब हम लोग लेंथ को मेजर किए। तो जो ये यहाँ पर जो मीटर है, जो लेंथ है, इसको हम लोग क्या किए, मेजर किए। इसका मतलब क्या है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो वो क्वांटिटी जिसे मेजर किया जा सके, उसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी हैव न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। इसका मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और उसका एक यूनिट होता है। इस यूनिट को हम लोग अभी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। बस ये समझिए, आप लोग जानते भी होंगे, जैसे कि अगर कोई 20 kg गेहूँ ला रहा है, ठीक है, 20 kg गेहूँ ला रहा है, तो इसको क्या किया, मेजर किया, किसको, मास को मेजर किया, गेहूँ के मास को मेजर किया। तो यहाँ पर क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और एक स्टैंडर्ड यूनिट है, जिसको हम लोग इस क्वांटिटी को कंपेयर करके, गेहूँ को गेहूँ के 1 kg से, एक स्टैंडर्ड यूनिट से कंपेयर करके हमने बताया कि ये 20 kg गेहूँ है। कितना टाइम्स ये क्वांटिटी है, तो 20 times है 1 kg से। तो कितना टाइम्स है, 20 times है 1 kg से। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसे मेजर किया जा सके, उसका क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और उसका एक यूनिट होता है। एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और एक यूनिट होता है, ठीक है। दूसरा, क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को हम और अदर वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। तो इसका क्या मतलब हम लोग समझेंगे कि वो क्वांटिटी जिसे फिजिक्स, जो फिजिक्स के लॉज को सेटिस्फाई करे, या फिर फिजिक्स के लॉज के टर्म में हम उसको एक्सप्रेस कर सके। जैसे कि फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये क्या है, ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें क्या है, फोर्स और मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये सारे जितने भी यहाँ पर क्वांटिटीज हैं, हम इसको मेजर कर सकते हैं। और ये जो है फिजिक्स के लॉ को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसके फिजिक्स के लॉज के टर्म में इसको हम लोग एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। जैसे कि फोर्स, मास
एक्सेलरेशन, ये सारा क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ये मेजर भी किया जा सकता है और फिजिक्स के लॉ को ये सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो इसका मतलब हम लोग अभी क्या समझे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, एक ऐसा क्वांटिटी जिसे मेजर किया जा सके। फिजिकल क्वांटिटी को के पास न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और एक यूनिट होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट होता है, और एक ऐसा क्वांटिटी जिसको फिजिक्स के लॉज के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सके वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। हमारे पास दो प्रकार के फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, द फर्स्ट वन इज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड द सेकेंड वन इज डेराइव्ड क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है और डेराइव्ड क्वांटिटी क्या है हम लोग ये देखने वाले हैं अभी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटी क्या है? तो फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो किसी और क्वांटिटी पर अपने मेजरमेंट के लिए डिपेंड ना करे। इसका क्या मतलब हुआ कि फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी फॉर मेजरमेंट। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको मेजरमेंट के लिए किसी और क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है, ये इंडिपेंडेंट होता है किसी भी अदर क्वांटिटीज से। जैसे कि लेंथ को अगर मेजर करना है तो 10 मीटर, 20 मीटर, इसको मेजर करने के लिए, लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोगों को किसी और फिजिकल क्वांटिटी के पास जैसे कि टाइम के पास, मास के पास नहीं जाना पड़ता है। इसका मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जो किसी और अदर क्वांटिटीज पर डिपेंड ना करे, या उसे बोल सकते हैं इट कैन नाइदर बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर। मतलब ये किसी और क्वांटिटी से डिराइव भी नहीं किया जा सकता, इसका एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, तो डिराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो किसी और क्वांटिटीज पर, या फिर बोल सकते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है। डिराइव्ड क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए हम लोगों को किसके पास जाना पड़ता है, किस पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर। जैसे कि अगर हम लोग फोर्स के बारे में बोले, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स क्या है, मास क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं मास पर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस पर यूनिट, मास पर यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, सेकेंड किसका यूनिट है, टाइम का, और ये यहाँ पर मास जो है वो केजी है। मास है वो उसका यूनिट क्या होता है, केजी। ये जो फोर्स है ये दो या दो से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है अपने मेजरमेंट के लिए। तो ये कौन सा यूनिट हो गया, तो ये कौन सा क्वांटिटी हो गया, ये हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डिराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जो अपने मेजरमेंट के लिए दो या दो से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करे, और वो यूनिट डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट्स को डिराइव्ड यूनिट बोला जाता है और फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट को फंडामेंटल क्वांटिटी यूनिट बोला जाता है। तो अब हम लोग आगे बात करेंगे, हम लोग देख लिए फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो हम जब मेजरमेंट करने जा रहे हैं तो अगर तुमसे कोई बोले, अगर आप लोगों से कोई बोले कि जाओ और कुछ कपड़े लेकर आओ, तो अगर तुम गए किसी के पास और तुम बोले कि मुझे कुछ कपड़े दे दो, तो दुकान वाला जो शॉप वाला होगा वो अपना दिमाग, उसका दिमाग पागल हो जाएगा। तो वो बोलेगा कितना कपड़ा, तो तुम बोलोगे कुछ कपड़े दे दो, तो वो क्या मेजर करके देगा या फिर कितना देगा, है ना। तो इसके लिए हमको उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू विथ यूनिट बताना होगा कि 5 मीटर कपड़ा आप मुझे दे दें। तो वो क्या करेगा, एक मेजरमेंट, एक मीटर स्केल लेगा, ठीक है, और वो मीटर स्केल स्टैंडर्ड मीटर स्केल होगा, ठीक है। उससे वो कंपेयर करके कपड़े को, वह क्वांटिटी को कंपेयर करके आपको काट के दे देगा। तो हम लोग अब समझने वाले हैं कि यूनिट क्या होता है और मेजरमेंट के लिए यूनिट क्यों जरूरी होता है। तो यहाँ से देख रहा है कि फॉर एनी मेजरमेंट अ न्यूमेरिकल वैल्यू जिसे नंबर बोलते हैं और स्टैंडर्ड यूनिट आर रिक्वायर्ड।
तो किसी भी मेजरमेंट के लिए हम लोग देख रहे हैं कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। तो केवल ये न्यूमेरिकल वैल्यू से काम नहीं चलेगा। अगर तुम्हें बोल दिया जाए कि तुम यहाँ से 5 5 चले जाओ, तो कितना चले जाएंगे भाई? 5 कितना? तो तुमको एक यूनिट बताना होगा कि 5 किलोमीटर जाओगे तब जाके तुम वहाँ पहुँच पाओगे। तो हम लोगों को किसी भी क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए, दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसके एक स्टैंडर्ड यूनिट की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी मेजरमेंट के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक स्टैंडर्ड यूनिट का रिक्वायर्ड होता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट जो है, ये कौन डिसाइड करता है? स्टैंडर्ड यूनिट, यूनिट ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या क्या है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम लोगों को एक स्टैंडर्ड यूनिट की आवश्यकता होती है, ठीक है, और विदाउट यूनिट मेजरमेंट हैज नो मीनिंग। तो यूनिट के बिना क्या मेजरमेंट का कोई मीनिंग होता है क्या? अगर तुम्हें, जैसा कि अभी हम पीछे बोले कि अगर तुम्हें कोई यूनिट ना बताया गया हो, ठीक है, कोई यूनिट ना बताया गया हो, एक स्टैंडर्ड यूनिट जिसको कंपेयर करके हम तुमको कुछ लाने बोल रहे हैं, अगर वो तुम्हें ना बताया गया हो तो क्या तुम ला पाएगा मार्केट से कुछ भी? या कहीं अगर तुम्हें पता एड्रेस बताना है कि यहाँ से तुम 5 किलोमीटर जाओ, तो 5 किलोमीटर जब हम तुम्हें बता रहे हैं तो इस न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ हम एक साथ साथ एक यूनिट भी बता रहे हैं। इसका मतलब मेजरमेंट विदाउट यूनिट, यूनिट इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो यूनिट क्या है? तो यूनिट को हम लोग डिफाइन करते हैं कुछ इस तरह से कि मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल, क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपेरिजन विथ अ यूनिवर्सल एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड। यूनिवर्सल एक्सेप्टेड मतलब एक ऐसा स्टैंडर्ड, यूनिट जिसे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया हो। हम या तो इंडिया में 5 केजी बोले या फिर अमेरिका में जाके 5 केजी बोले, उस यूनिट को हर जगह सेम माना जाएगा। ये नहीं कि इंडिया में हम 5 केजी बोल रहे हैं और अमेरिका में जाकर उस केजी को मीटर बोला जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो क्या है, एक स्टैंडर्ड यूनिट को हम लोग मान रहे हैं, वो ऐसा यूनिट जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड हो और वो किसी क्वांटिटी के साथ कंपेयर करके हम मेजरमेंट करते हैं। तो क्या हुआ यूनिट का डेफिनेशन, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, इन्वॉल्व्स कंपेरिजन विथ अ यूनिवर्सल एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट। वो क्या कहलाता है? यूनिट कहलाता है। अब हम लोग जब यूनिट देख लिए तो अब देखेंगे कि अगर जैसा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें कोई बोले कि तुम्हारा मास 70 केजी है, ठीक है, अगर तुम्हें कोई बोले कि तुम्हारा मास 70 केजी है, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा जो मास है वो 70 गुना है, एक सर्टेन स्टैंडर्ड मास के, जिसको कि किसी एक अथॉरिटी ने बताया है, एक स्टैंडर्ड मास को जिसको 1 केजी बोला जाता है, उस 1 केजी उस स्टैंडर्ड यूनिट से तुम्हारा मास 70 टाइम्स है। इसका मतलब यूनिट क्या होता है? यूनिट हम लोग अब इस तरह से कुछ समझ रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है जिससे कंपेरिजन करके किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग देखते हैं। जैसे कि हमारा अगर कोई बोल दे कि 5 सेकेंड टाइम है, अभी से 5 सेकेंड के लिए तुम यहाँ से चले जाओ, तो 5 सेकेंड का मतलब हुआ कि 5 टाइम्स ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट, 5 टाइम्स ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट दैट इज 1 सेकेंड। तो ये किसका यूनिट है? टाइम का, वो हम लोग आगे बात करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनिट को हम लोग इस तरह से जाने। तो सवाल आएगा मेरे दिमाग में, मेरे मन में, कि आखिर इस यूनिट्स को डिसाइड कौन करता है, तो यूनिट को डिसाइड करने के लिए हमारे पास एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है जिसे कि CGPM कहा जाता है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट। वही डिसाइड करता है यूनिट्स को
इंटरनेशनल एग्रीमेंट होने के बाद। इसका मतलब क्या है? इंटरनेशनल एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि इंटरनेशनली एक्सेप्टिंग होने के बाद, इंटरनेशनल मीटिंग होने के बाद यूनिट्स को क्या करता है, डिसाइड किया जाता है कि चलो पूरे वर्ल्ड वाइड इस यूनिट को हम लोग आज से मानेंगे। तो यूनिट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस उसका होना चाहिए बिना किसी डाउट के। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस का मतलब कि अगर किसी यूनिट को कोई एक कंट्री मान रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई दूसरा कंट्री उस यूनिट को ना माने, ठीक है। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होना चाहिए यूनिट का। अगर हम लोग यहाँ पर इंडिया में लेंथ के यूनिट को मीटर मान रहे हैं, और वही यूनिट अगर अमेरिका में लेंथ का यूनिट केजी माना जाए, तो क्या हम कम्युनिकेट कर पाएंगे एक दूसरे से, या एक दूसरे से बिजनेस कर पाएंगे इजीली? नहीं कर पाएंगे। तो इस कारण से यूनिट, जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है, उसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो क्या होना चाहिए? यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस उसका होना चाहिए विदाउट किसी डाउट के। दूसरा क्या होना चाहिए? वो जो यूनिट होता है, जो स्टैंडर्ड यूनिट, जिसे कोई एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी क्या करे, डिसाइड करे, उसका साइज क्या होना चाहिए? सूटेबल होना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग एक केजी, मान लिया एक केजी हमारे पास कोई स्टैंडर्ड यूनिट किसके पास रखा गया है, सीजीपीएम के पास रखा गया है, उस एक केजी को स्टैंडर्ड मान के हम लोग क्या किए, लोकल लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं कि एक केजी का बटखारा है मेरे पास। तो वो एक केजी आया कहाँ से? तो वो एक स्टैंडर्ड है, उस मास के, उसके बराबर का मास कहीं पर रखा गया है, स्टैंडर्ड मान के कहीं रखा गया है। नहीं तो हर कोई अपना यूनिट मानने लगेगा, कोई एक पकड़ेगा कोई चीज़ ईटा दो और बोलेगा यही मेरा एक केजी है, कोई क्या करेगा 5 मीटर जैसा कोई एक बड़ा सा रॉड ले लेगा, बोलेगा ये मेरे लिए 1 मीटर है। तो ऐसा नहीं है, एक स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है, उस स्टैंडर्ड को यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस मतलब इंटरनेशनली एक्सेप्ट करना होगा, उसी को मानना होगा विदाउट किसी डाउट के, और हम लोग को उसको यूनिट मान के मेजरमेंट करना होगा। उसके बाद क्या है कि उसका साइज क्या होना चाहिए? सूटेबल होना चाहिए, ना ज़्यादा बहुत बड़ा होना चाहिए ना बहुत छोटा होना चाहिए। दूसरा, वो जो स्टैंडर्ड है वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड वहाँ यूज किया गया है किसी यूनिट के लिए, जैसे कि मास के लिए केजी रखा गया है, तो एक केजी के बराबर कोई जो ऑब्जेक्ट वहाँ पर रखा गया है वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, और वो नॉन डिस्ट्रक्टिबल होना चाहिए। इसका मतलब कि ये नहीं कि आज रखे और वो कल टूट जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नॉन डिस्ट्रक्टिबल होना चाहिए। उसके बाद वो जो स्टैंडर्ड है वो चेंज नहीं होना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम या फिर प्लेस। ये नहीं कि उस स्टैंडर्ड को जिसको हम लोग यूनिट मान कर चल रहे हैं उसको एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाएं, तो यहाँ पर उसका मास 1 केजी है, तो कहीं और जाने के बाद उसका एनवायरनमेंट का उस पर इफ़ेक्ट पड़ जाए और वो 500 ग्राम हो जाए, तो क्या होगा? वो स्टैंडर्ड मान पाएंगे क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये है, वो जो यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, उसका एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो विथ रेस्पेक्ट टू प्लेस, मतलब प्लेस टू प्लेस वो चेंज ना हो, और टाइम के पश्चात भी वो चेंज ना हो। ये नहीं कि ठंडी के मौसम में उसका कुछ और वेट हो जाए, गर्मी के मौसम में कुछ और वेट हो जाए, तो फिर हम उसको कैसे मान पाएंगे? तो ये सारा कुछ क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्टैंडर्ड यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास कितने सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। तो कुछ जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे अर्ली टाइम्स में, जो शुरुआती दौर में हमारे साइंटिस्ट थे डिफरेंट कंट्रीज़ के अराउंड द वर्ल्ड, वो यूज करते थे अपना अपना सिस्टम ऑफ यूनिट। वो क्या करते थे? इन अर्ली टाइम्स साइंटिस्ट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड यूजिंग डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो इससे क्या होता था कि हम लोग का कम्युनिकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, लेकिन शुरुआती दौर में ऐसा ही हो रहा था। तो ये कौन कौन से सिस्टम हैं और कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज या फिर बेस क्वांटिटीज को हम लोग मानकर चल रहे थे? तो हमारा सबसे पहला यूनिट है CGS सिस्टम। इसमें लेंथ को सेंटीमीटर में मापा जाता था, मास को ग्राम में मापा जाता था, और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता था। दूसरा यूनिट है, सिस्टम ऑफ यूनिट है FPS, जिसको फुट
पाउंड सेकेंड सिस्टम भी बोलते हैं, जिसमें लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकेंड में मेजर किया जाता था। MKS सिस्टम, जिसमें मास को मीट ने जिसमें मास को केजी में, लेंथ को मीटर में और टाइम को सेकेंड में मापा जाता था। तो अब हम लोग जो इस टाइम पे सिस्टम ऑफ यूनिट यूज कर रहे हैं वो SI सिस्टम है और वो MKS सिस्टम का ही रिवाइज्ड फॉर्म है या फिर डेवलपमेंट फॉर्म है। ठीक है, MKS सिस्टम का ही रिवाइज्ड फॉर्म है। तो SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो कि अभी इस टाइम पर पूरे वर्ल्ड वाइड यूज किया जा रहा है, द सिस्टम ऑफ यूनिट विच इज एट प्रेजेंट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ठीक है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो सिस्टम ऑफ यूनिट इस टाइम पे चल रहा है उसे हम लोग SI यूनिट बोलते हैं। और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? BIPM के द्वारा। BIPM के द्वारा 1971 में डेवलप किया गया है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। ये जो SI सिस्टम है इसको 1971 में BIPM के द्वारा डेवलप किया गया। ये BIPM का फुल फॉर्म क्या है? द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। और इसे एक बार फिर से रिवाइज किया गया है CGPM के द्वारा नवंबर 2018 में SI सिस्टम ऑफ यूनिट को। और अभी SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स ही फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए वर्ल्ड वाइड यूज किया जा रहा है। और ये इसीलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि SI सिस्टम का कुछ एडवांटेज ये है कि ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया विदाउट एनी डाउट, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है ये। फिर इसका साइंटिफिक रिसर्च में, टेक्निकल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल वर्क में इसको इजीली यूज किया जा रहा है। SI यूनिट सिस्टम जो है डेसिमल सिस्टम को भी यूज करता है। और जो SI यूनिट सिस्टम के द्वारा जो अदर सिस्टम में कन्वर्जन है, SI सिस्टम का अदर सिस्टम में जो कन्वर्जन है वो बहुत ही सिंपल और कन्वीनियंट है। इस कारण से इस टाइम पे SI सिस्टम ऑफ यूनिट यूज किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड। तो हमारे पास अब हम लोग पढ़ेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज, हम लोग जाने कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी यूनिट्स जब हम लोग जान गए तो देखेंगे कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है उसका यूनिट्स क्या होता है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट बोला जाता है। तो हमारे पास 7 नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स हैं, 7 नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स हैं। और ये फंडामेंटल यूनिट्स इंडिपेंडेंट होते हैं किसी भी अदर यूनिट्स पे। मतलब इसका एग्जिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है एक दूसरे से। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या हैं? तो है लेंथ, जिसका यूनिट है मीटर और उसका सिंबल एम। दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है फंडामेंटल मास, इसका यूनिट है किलोग्राम और उसका सिंबल केजी। तीसरा फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी है टाइम, उसका यूनिट है सेकेंड और इसका सिंबल है स्मॉल एस। चौथा फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? टेम्परेचर है, उसका यूनिट है केल्विन और सिंबल उसका क्या है? के। इलेक्ट्रिक करेंट एम्पियर, आप इस टेबल को देख लेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या है? कैंडेला, उसको डिनोट CD से किया जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका यूनिट है मोल और उसको डिनोट मोल से किया जाता है। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है और इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से हम लोगों का जितना भी क्वांटिटीज, जो लार्ज नंबर ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटी है, इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से डेराइव्ड किया जाता है। इसका मतलब इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डेराइव्ड क्वांटिटीज डिपेंड करता है या फिर डेराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट उस पर डिपेंड करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि एक सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। तो 7 फंडामेंटल यूनिट को छोड़कर उसके अलावा भी हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं जिसे हम लोग जानते हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के नाम से। प्लेन एंगल वो होता है जो किसी प्लेन पर इस तरह से खींचा जाए, कोई सर्कुलर फॉर्म में एक प्लेन पे खींचा जाए, उसका यूनिट होता है रेडियन, उसको हम लोग डिनोट करते हैं RAD रैड से। सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन और उसको SR से डिनोट करते हैं। तो सॉलिड थ्री डायमेंशनल क्वांटिटी है, सॉलिड एंगल जो है
थ्री डायमेंशनल फिगर में होता है और जो प्लेन एंगल होता है वो टू डायमेंशनल में होता है, जैसा कि यहाँ हम लोगों को दिख रहा है, जैसा कि यहाँ हम लोगों को दिख रहा है। एक मिनट हम इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं कि मान लिया कि मेरे पास कोई प्लेन, सर्कुलर प्लेन इस तरह से है, ठीक है, और ये सेंटर के साथ एंगल थीटा बना रहा है और इसका आर्क हो गया मान लिया डीएस और ये रेडियस है आर। तो यहाँ से हम लोगों को ये जो एंगल है इसको बोला जाता है प्लेन एंगल, ये जो एंगल है इसको बोला जाता है प्लेन एंगल और इसका यूनिट होता है रेडियन, इसका यूनिट होता है रेडियन, इसको हम लोग रेडियन से डिनोट करते हैं। और हम लोग जो जानते हैं ये हो गया रेडियन, और ये जो थीटा है इन रेडियस और डीएस पर डिपेंड करता है। तो डीएस डी थीटा बराबर क्या होता है, डी थीटा बराबर होता है डीएस बाय आर, डी थीटा बराबर आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। ये जो एंगल है ये एंगल मान के चलो कि ये एंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये एंगल क्या हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और कितना डिस्टेंस कवर किया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये विथ रेस्पेक्ट टू। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें कि ये जो थीटा है, जो एंगल है वो क्या है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं रेडियन से डिनोट करते हैं। दूसरा सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल जैसा कि हम लोग बात किए हैं कि सॉलिड एंगल जो है वो थ्री डायमेंशनल फिगर में होता है। कोई अगर तरबूज का टुकड़ा हम लोग देखे होंगे कि अगर कोई तरबूज है इस तरह से, कोई तरबूज है उसको हम ऊपर से कुछ इस तरह से काट लिया जाए तो हमारे पास वो ये टुकड़ा जो है थ्री डायमेंशनल में कुछ इस तरह से निकल जाएगा, और ये इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो कुछ एरिया ऑक्यूपाई करेगा। ये हो गया हम लोग मान लिया कि डी ए है, ठीक है, ये एरिया डी ए है, और इसका जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है उसको मान लिया आर, और ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर के साथ, चूँकि ये 3D फिगर है स्फेयर मान सकते हैं, इसको मान लिया सॉलिड वाला ये तरबूज क्या है सॉलिड है और 3D फिगर है तो सॉलिड से निकला है, तो इसमें जो एंगल सबटेंड कर रहा है उसको सॉलिड एंगल बोलते हैं, और इसको डिनोट किया जाता है डी ओमेगा से, और डी ओमेगा इज इक्वल टू होता है डी ए जो यहाँ का एरिया है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या होता है स्टेरेडियन, और इसको डिनोट हम लोग SR से करते हैं। तो आज पार्ट वन में हम लोग इतना ही देखेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट के, और आगे हम लोग डेराइव्ड यूनिट, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ टाइम सबको डिटेल में देखेंगे, और हम ये NCERT को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं, और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं चाहे वो किसी भी टाइप का एग्ज़ाम हो, वन डे एग्जामिनेशन, जितने भी इंडिया में वन डे एग्जामिनेशन होते हैं सारे एग्जामिनेशन NCERT के सिलेबस को ही फॉलो करते हैं, और हम लोग प्योर NCERT के सिलेबस को फॉलो करके उसको डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। तो थैंक यू इतना हमारे साथ बनने के लिए, और हम आगे अब इसको कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट में।